यहाँ पे लिखा कि यदि यदि का मतलब जेकर तेरी इच्छा है तो शास कर, नहीं तो ना कर, मुझे जबरदस्ती नहीं देना। आप में से किसी से जबरदस्ती तो नहीं ना हुई, नहीं ना हुई, क्योंकि हमने इस सपने इस सच्चाई को जाना और खुदावंद के वचन को समझा और शास किया। धर्म बनाने के लिए, धर्म बदलने के लिए, वो जीवन बदलने के लिए यीशु मसीह क्यों आए? जीवन को बदलने के लिए। मेरा जीवन बदला, आप में से कितनों का धर्म बदला? जिसका धर्म बदला वो खड़ा हो जाए, जिसका जीवन बदला है वो हाथ खड़ा करे, जिसका धर्म बदला वो खड़ा हो जाए अपनी जगह पर, जिसका जीवन बदला है वो हाथ खड़ा करे। किसी का धर्म तो नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं ये सच्चाई को जाना। रोमियों 10 की हम 9 से पढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ध्यान से सुनो, यदि का मतलब होता है परमेश्वर पहले कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जैसे पिछले दिनों में इस बात पर बहुत ये मुद्दा उठा कि जो ईसाई है ये जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं लोगों को, जब खुदावंद के वचन में ऐसे लिखा है यदि, यदि मतलब तेरी इच्छा है। जैसे यूहन्ना की अंजील उसकी 3:16 में भी लिखा, मैंने जगत से प्यार किया और अपना लौता पुत्र दे दिया, शब्द आया ताकि जो कोई, वहां पे शब्द आया ताकि जो कोई, जिसकी इच्छा, जबरदस्ती किसी से नहीं। आप में से किससे जबरदस्ती हुई है? हाथ खड़ा करो जिससे जबरदस्ती हुई है कि तू यीशु पर विश्वास कर, तू मसीह बन। ऐसे किसके साथ जबरदस्ती हुई है? है कोई यहां पे बैठा जिसके साथ जबरदस्ती हुई है? हाथ खड़ा करो जिसके साथ जबरदस्ती हुई, हमने धक्के से कहा कि तू मसीह में आ जा, नहीं तो क्या हो जाएगा। हुई है किसी के साथ जबरदस्ती? पर पिछले दिनों में इस मुद्दे पर ये बहुत ऐसे विवाद उठा कि जो ईसाई है, जो क्रिश्चियन है, लोगों को क्या कर रहे हैं? जबरन उनका लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पैसों का क्या कर रहे हैं? लालच देते हैं। हमें से कितनों को पैसे मिले? कितनों को मिले पैसे? कितने कितने मिले आपको पैसे? मिले किसी को? उल्टा आपने दिया होगा, दिया है ना यहां पे चर्च में। पर ये सब ये अफवाहें, बस मुंह की बातें हैं। और जो लोग सच्चाई को नहीं जानते वो इनके पीछे लगते हैं। ईसाइयों में वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं इन्हें अंग्रेजों से पैसा आता है। कौन किसी को देता है? कोई नहीं देता, वो खुदावंद देता है। ये सिर्फ मुंह की बातें हैं। बोलो क्या है? ये मुंह की बातें हैं। और लोग समझते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बताओ, जहां पे पैसे मिलते हैं हम भी वहां पर जाएं, ताकि हमारी चर्च के बहुत से काम हैं जो पेंडिट पड़े हैं, हमें बहुत मैट चाहिए, कई चीजें, साउंड की चीजें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हमें, हम वहां पे जाकर ले आते हैं। जो लोग बोलते नहीं, पैसे मिलकर, पैसे देकर इनका धर्म क्या करते हैं? हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं। हमने सिर्फ क्या किया? विश्वास किया। यहां पे लिखा कि यदि का मतलब जेकर तेरी इच्छा है तो शास कर, नहीं तो ना कर, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आप में से किसी से जबरदस्ती तो नहीं ना हुई? नहीं ना हुई, क्योंकि हमने सबने इस सच्चाई को जाना और खुदावंद के वचन को समझा और विश्वास किया। इसी लिखा, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से क्या करे विश्वास करे कि परमेश्वर से मरे हुओं में से जलाया, और निश्चय मतलब उसमें 50-50 नहीं है, 99 नहीं है, लिखा निश्चय मतलब पक्का, तू उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार का मतलब तू उस पाप से छुड़ाया जाएगा, उस शैतान की गुलामी से, उस दुखों की गुलामी से तू छुड़ाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या जाएगा? तू निश्चय उस दुखों की गुलामी से छुड़ाया जाएगा अगर तू यीशु को अपने मुंह से क्या करेगा? अंगीकार करेगा और हृदय से विश्वास करेगा कि यीशु मेरा
प्रभु है जो मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा, तो मुझे कहते निश्चित पक्का तू उद्धार पाएगा। हाँ, उसमें किंतु परंतु जरा सी भी नहीं। इसीलिए हमने संडे भी सुना था ना रोमियो 3:22 में ना, हाँ रोमियो 3:22 में लिखा है कि अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी भेद नहीं है। बोलो क्या है? कुछ भी भेद नहीं है। भेद का मतलब समझते हैं, तुम कौन सी जाति के हो, तुम्हारा कौन सा धर्म है। हाँ समझ आ रही है, जिसे संसार में है। हाँ तो यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, वो धर्म बनाने के लिए नहीं, वो धार्मिकता को बनाने के लिए आए हैं और हमें पाप से छुड़ाने के लिए और फिर से परमेश्वर से मिलाने के लिए आए हैं। आमेन, हालेलुया। मुझे बड़ा वाला आमन चाहिए था इस पर। क्या है? फिर से हमें परमेश्वर के साथ वो मिलाने के लिए आए, धर्म बनाने के लिए नहीं, धर्म बदलने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। यीशु मसीह क्यों आए हैं? जीवन को बदलने के लिए। मेरा जीवन बदला? आप में से कितनों का धर्म बदला है? जिसका धर्म बदला वो खड़ा हो जाए, तो जिसका जीवन बदला है वो हाथ खड़ा करे। जिसका धर्म बदला वो खड़ा हो जाए अपनी जगह पर, जिसका जीवन बदला है वो हाथ खड़ा करें। किसी का धर्म तो नहीं ना बदला, क्योंकि हमने ये सच्चाई को जाना है। क्या जाना? हमने सच्चाई को जाना है। यीशु धर्म नहीं, वो धार्मिकता को बनाने के लिए आया है, जो किसमें है? विश्वास में ही। किसमें है? बोलो। लिखा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी भिन्न भेद नहीं है। तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से हो, क्योंकि यीशु किसी की जाति को नहीं, वो जीवन को बनाने के लिए आया है। आमीन।